नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश को लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह के साथ साथ पूरी प्रदेश इकाई को भंग कर दिया है। ये फैसला सोमवार देर शाम को हुआ है, जिसके एक तरीके से जिसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने अपनी अधिकृत वेबसाइट पर साझा की है। प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह समेत प्रदेश कार्यकारिणी हो या समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी हो, पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में इसे भंग कर दिया गया है। और इसके साथ ही हाल ही में लोकसभा सीटों के लिए जो 10 लोकसभा सीटें हैं उसके लिए प्रभारी बनाए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसे भी भंग कर दिया गया। उन प्रभारियों को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अब ये फैसला समाजवादी पार्टी ने क्यों किया ये अखिलेश यादव ही बता सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ये फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई सीटों पर उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, वो दूसरे नंबर पर रही थी। और छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत करके भी आए थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में सपा ने अपने जो 59 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे उनमें से एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। सिर्फ यही नहीं, समाजवादी पार्टी किसी भी सीट पर 230 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट पर ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकी जो 2018 के मुकाबले जिसे बेहतर बताया जा सके। इसीलिए माना जा रहा है कि इसकी गाज मध्य प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी पूरी इकाई पे गिरी है। आपको यह भी मालूम होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जमकर बयानों का दौर चला था। इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ है, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे दोनों राजनीतिक दलों के बीच बात नहीं बन पाई थी। और माना जा रहा है उस दौरान जो बयानबाजी हुई, उस दौरान जो उठापटक दोनों राजनीतिक दलों के बीच हुई, इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। अब इंडी गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी सभी का लक्ष्य इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव है। गठबंधन की लगातार बैठकें भी हो रही है, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे बात भी हो रही है। देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार करने वाले ये दोनों राजनीतिक दल क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बना पाते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से एकदम अगर देखा जाए तो बुरी तरीके से प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बेहद कड़ा फैसला मध्य प्रदेश के लिए जरूर लिया है।